आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं। सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए। हम सब जानते हैं आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशादर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था, और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं, और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करेगा। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए, और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर होगी।